हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जो वीडियो है वो मैं अपना डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसकी जो रेसिपी है, मैं वैसे तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, मैं उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी। लेकिन ये जो पनीर है वो मैं जो है मलाई मटर बना रही हूँ। तो यहाँ पे सारे मसाले तड़के वगैरह डाल के और जो मैंने टमाटर और प्याज का जो पेस्ट भुना था वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और ये मैंने मटर भी ऐड कर दिया। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको ढकना है ताकि जो मटर है और वो भी थोड़ी सी पक जाए, क्योंकि पनीर मैंने हल्का सा फ्राई किया है और तो इस वजह से उसको तो कुछ ज़्यादा करना है नहीं। और बस ये जो मटर है वो ढकने से थोड़ी सी जो है सॉफ्ट हो जाएगी। और ये ध्यान रखना है, अगर आपने फ्रोज़न मटर लिया है तो उसको आप क्या नाम है उसको हल्का सा गर्म पानी में उसको बॉयल करके तब इसमें आप ऐड करिए, क्योंकि फ्रोज़न मटर जो है ये इसके साथ जो है वो गल नहीं पाती है। तो इस वजह से आप उसको बॉयल करके मटर को डालिए। यहाँ पे फिर वही मैंने ढक करके मैंने इसको थोड़ा सा पकाया है 2-3 मिनट के लिए। और फिर यहाँ पे वही फिर जो मैं मसाले जो हैं हल्दी नमक और जो गरम मसाले हैं, पिछला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो मैंने बताया था कि मैं जो मसाले हैं वो घर पे ही बनाती हूँ, तो ये वही मसाले हैं और अलग से मैं कोई मसाला नहीं डालती हूँ। जो घर के जो गरम मसाला होता है वही मैं ऐड करती हूँ। और बहुत अगर वो हुआ तो बस एक एवरेस्ट आता है उसको मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है और ये पे लगभग हो गए हैं। और जब हल्का सा ये जब क्या नाम है जब तेल छोड़ने लगेंगे तो मैं इसमें जो पनीर ऐड करूँगी। और यहाँ पर जो है ये देखिए भुना गए हैं और जो तेल है मेरे मसालों से अलग होने लगे हैं। और इस स्टेज पे ये आधा कटोरी मैंने काजू पेस्ट लिया है और इसको मैंने इसमें ऐड किया है। काजू डालने से होता है कि जो पनीर है मलाई मटर वाली वो बहुत अच्छी बनती है। और इसके बाद जब ये मिक्स करके अच्छी तरह से जब काजू अच्छी तरह से जो है एक दूसरे में ऑब्जर्व हो जाए तो उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे जितना और पतला और गाढ़ा रखना है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं चपाती से बनाने के लिए खाने के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जब इसमें पानी डाल के अच्छी तरह से इसको बॉयल कर देना है। और देखिए मैंने पानी को डाल दिया है और ये जब बॉयल आ जाए पानी डालने के बाद एक दो बॉयल जब आ जाए और तब इसमें जो है हम पनीर को ऐड करेंगे। और इसमें बॉयल देखिए आ गए हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। और यहाँ पे मैं जो है ये पनीर को मैंने ऐड किया है। अगर आपके पनीर जो है सॉफ्ट नहीं होते हैं तो आप क्या करिए कि गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के आप इसमें उसको आधे घंटे के लिए छोड़ सकती हैं। उसके बाद इसमें फिर आप ऐड करिए तो उससे पनीर जो है बहुत और सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने मलाई डाल दी है, मैंने दूध की जो मलाई है मैंने इसमें ऐड की है, फ्रेश जो मलाई है दूध की मैंने उसमें ऐड किया है। और सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे मिक्स कर दूँगी और लगभग पनीर बन गया है। जब बॉयल आ जाएगा तब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद जो है ये धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। और देखिए इस तरह से तो बहुत अच्छी बनती है। आप ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपनी राय जो है मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिए कि आपकी जो है पनीर
मलाई मटर पनीर कैसी बनी थी। पनीर बनाने के बाद अब फिर मैं लगी रोटियां बनाने, क्योंकि जब मैं पनीर शुरू की थी बनाने उसके पहले ही मैंने आटा को गूंद लिया था। अगर आटा को गूंद के अगर हम आधा घंटे बाद अगर रोटी बनाते हैं तो रोटियां जो हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं और बहुत अच्छे से फूलती भी हैं। ये टिप्स था रोटी के विषय में और ये मैंने अपने हस्बैंड की थाली लगा दी है और देख सकते हैं पनीर कितनी अच्छी बनी है। और उसके बाद खाना वाना डिनर करने के बाद यहाँ पे मैं किचन को थोड़ा समेटने लगी, वही रूटीन जो है नाइट वाला। और उस साइड में ग्लास देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने दूध को निकाल के निकाल लिया है अपना और बाबू का। और उसके बाद ये स्लैब मैंने लगभग पोछ लिए हैं और बर्तन वगैरह भी जो है मेरे क्लीन हो गए हैं, ये साइड में आप देख सकते हैं। और किचन के लगभग मेरे सारे काम अब तक फिनिश हो गए हैं। और क्योंकि जो है नाइट रूटीन जो है हर हाउसवाइफ को करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम नाइट रूटीन जो है नहीं करेंगे तो फिर मॉर्निंग में जो है प्रॉब्लम होने लगती है। और जो ऑफिस वर्किंग है हस्बैंड वाइफ उनके लिए तो मस्ट होता है ये किचन क्लीनिंग रूटीन जो है नाइट का। और क्योंकि मॉर्निंग में समझ में नहीं आता कि हम ऑफिस जाएं या खाना बनाएं या बाकी चीज़ें करें, तो इस वजह से जो है नाइट क्लीनिंग जो रूटीन है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरे क्लीन हो गए हैं और ये मैंने दूध निकाल के रखे हैं और एक मेरी हल्दी वाली दूध है और ये बिना हल्दी वाली बाबू की दूध है, वो हल्दी नहीं लेते हैं। और बस ये लास्ट है और जो दूध बच गए हैं अब वो मैं उसको फ्रिज में जो है डाल दूंगी। और खाना अगर आपके खाना बचता है तो वो आप फ्रिज में कवर लगा के रख दीजिए, बाहर नहीं रखना चाहिए खाना को, क्योंकि कभी कभी होता है कि आलस में हम जो है खाना जो है जो भी बची रहती है सब्जी रोटी तो हम ऐसे ही ढक के रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको फ्रिज में रख देना चाहिए कवर करके। तो इससे हमारे जो फूड हैं बचे हुए फूड जो हैं वो फ्रेश रहेंगे। और ये सब्जी आई थी शाम को तो मैंने सारे क्लीन करके रख दिए हैं। और ये जो रेड कलर का जो डब्बा देख रहे हैं उसमें मैंने मटर छील के रखा है। मटर छील के रखने से ये होता है कि हमें सुविधा रहती है, जब चाहें तब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो बस यही था। तो चलिए फ्रेंड, बस ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया, अपना मैंने डिनर रूटीन और नाइट क्लीन रूटीन शेयर किया है। आई होप लाइक यू। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे क्लिक करें। तो आशा करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।